बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रेटजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं शो में और पूरी रिसर्च टीम से जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। उससे पहले आज बाजार के हाल को जरा समझ लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन आज था, बाजार ने दमदार तेजी भी दिखाई और दिन की ऊंचाई पर भी जाकर बंद हुए। निफ्टी 235 अंक उछलकर चार दिनों के बाद 17,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में 850 अंकों का उछाल दिखा। निफ्टी बैंक करीब 150 अंक चढ़कर 36,500 के ऊपर बंद हुआ और आज सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए। वही FIS DIS की तरफ से डेटा आ चुका है, क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं जरा समझते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 909 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1372 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। और आई एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में इतनी शानदार तेजी आज कहां से आई। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में बेहद मजबूती भरा ट्रेड दिखा और ये मजबूती इसलिए भी बेहद अहमियत वाली थी कि कल देर शाम जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स बड़े मजबूत ट्रेड कर रहे थे और अमेरिकी बाजारों ने कल देर रात प्रदर्शन अच्छा किया भी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के चलते जो बाजारों में तेज गिरावट आई उसने अमेरिकी बाजारों का मूड बिगाड़ दिया। लेकिन ये मूड सिर्फ अमेरिकी बाजारों का बिगड़ा, किसी और का नहीं। न एशियाई बाजारों का हाल खराब था और न ही हमारा। SGX निफ्टी सुबह 100-150 अंक नीचे था, लेकिन उसके विपरीत भारतीय बाजार निफ्टी पर हरे निशान में खुलने में कामयाब रहे और शुरुआती 5-7 मिनटों के बाद रफ्तार जो तेजी की पकड़ी पूरे दिन भर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज के सेशन की एक बड़ी खासियत यह भी रही, किसी भी लेवल से कोई साइजेबल या बड़ा करेक्शन आया नहीं, धीमे धीमे लगातार खरीदारी होती दिखी। यानी कि पूरी दुनिया भर के बाजारों ने और भारतीय बाजारों ने यह माना कि ओमिक्रॉन को लेकर बाजारों का रिएक्शन नेगेटिव साइड पर कमजोरी की तरफ जरूरत से ज्यादा है, इतना डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो पहला फैक्टर वो था तेजी का। दूसरा और बड़ा फैक्टर था FIIs की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली है अब भी, लेकिन आंकड़े छोटे होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ घरेलू फंड दमदार खरीदारी कर रहे हैं और FIIs भी वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी करते दिख रहे हैं, तो फ्लोज थोड़े से बेहतर और पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और कारण ये कि जो पैनिक था वो खत्म हो चुका, 17,000 के नीचे हम फिसले, थोड़े गए भी, लेकिन वहां से अब अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखी, तो वो पैनिक भी कम होते हुए दिख रहा है। और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिला। इन सब फैक्टर्स के चलते दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए बाजार 17,400 निफ्टी पर और 36,500 के अहम लेवल पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, जो कि एक और ब्रेकआउट की तैयारी के संकेत आपको दे रहा है। अब आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स बेहद मजबूती के साथ 250-300 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। अगर अमेरिकी बाजारों में आज रिकवरी लौटती जिसकी संभावना पूरी है, तो हमारे बाजार कल हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी और तेजी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि बाजारों का मूड माहौल जो पैनिक से था अब स्टेबल और मजबूती की तरफ बढ़ने के संकेत दे रहा है। तो आज के बाजार पर हाल जानने के बाद कल के बाजार पर स्ट्रेटजी भी समझेंगे अनिल जी से, और सीधे अभी फिलहाल रुक करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, सबसे पहले आज का बाजार कैसा लगा आपको? एक्सपायरी के दिन बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई, हरे निशान में बंद भी हुए। फिलहाल कल हफ्ते का आखिरी दिन है, तो ये ट्रेंड क्या आप कंटिन्यू होता हुआ देख पा रहे हैं, और हफ्ते भर का नजर है पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में डेफिनेटली आज अच्छी वैल्यू बाइंग आई है, और जैसे अनिल जी ने कहा कि FIIs का जो सेलिंग नंबर है वो डेफिनेटली पहले ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छा संकेत है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में 17,000 के आसपास मार्केट बॉटम आउट हो चुका था। अभी कोविड के जो नए वेरियंट्स की बातें चल रही है वो अभी तक इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, तो मार्केट्स को कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई बड़ा क्राइसिस या कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो ये कारण था कि मार्केट्स में निचले लेवल से अच्छी बाइंग आ गई, और हमको लग रहा है कि कल के सत्र में भी आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। आई थिंक जो सेक्टर्स चलेंगे वो बैंकिंग, इसके बाद ऑटोज चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे न्यूज फ्लोज आ रहे हैं। और हफ्ते भर के नजरिया के लिए अगर किसी को खरीदना है तो मैं समझता हूँ कि मेटल स्पेस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे है, बोथ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोजिशनल पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई पोजिशनल पिक के लिए भी खरीदता है तो अभी करंट प्राइस करीबन 104-105 रुपया है,
हमको लग रहा है कि कंफर्टेबली 112, 115, एक 8 से 10 दिन में कोई निवेशक या ट्रेडर को मिल सकता है। लंबे समय के लिए तो ये बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म करेगा, लेकिन जिस प्राइस पे है हमको लग रहा है कि कम से कम 8-10% का मूव पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक रहेगा, सेल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 112-115, स्टॉप लॉस 102 का रखिए। बिल्कुल सर, तो 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो सेल में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, वो भी मारुति की, तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि जनवरी से मारुति अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा रहा है। जरा पूरी डिटेल्स और लेते हैं, कुछ जरा बताए मारुति की गाड़ियां दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? जी, तो मारुति ने किया है ऐलान कि जनवरी 2022 से वो अपनी कीमतें जो हैं बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्या जो कमोडिटी इन्फ्लेशन होते हुए दिखे हैं वो कितने ऐसे बढ़ गए हैं कि इनको प्राइस इंक्रीज़ का ऐलान करना पड़ा। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2021 में ऑलरेडी 3 बारी जो है मारुति प्राइस इंक्रीज़ कर चुका है, और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जनवरी में सबसे पहले इन्होंने 1.4% की हाइक ली थी, साथ ही अप्रैल 2021 में 1.6% और सितंबर में इन्होंने 1.9% की इंक्रीज ऑलरेडी ये ले चुके हैं। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 5% की जो इंक्रीज है वो ऑलरेडी हो चुकी है 2021 में। 2022 में जनवरी में पहली इंक्रीज ये होने वाली है, पर अगर आप देखें तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो इन्होंने साइट की है अपने सर्कुलर में कि कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जनवरी से लेकर अब तक नवंबर इनफैक्ट एंड तक आप देखिए 31% की ग्रोथ HRC यानी कि हॉट रोल कॉयल स्टील में होती हुई दिखी है। दूसरी तरफ कॉपर की कीमतें में भी 22.5% की ग्रोथ आई है, और अंत में एल्यूमिनियम की कीमतें भी देखेंगे तो वहां पर भी 33% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। तो इनफैक्ट अगर आप कमोडिटी इन्फ्लेशन देखें तो करीब 20-35% का कमोडिटी इन्फ्लेशन है, जिस कारण कहीं ना कहीं यहां पर 5% की इंक्रीज 2021 में यानी कि इस वर्ष में होती हुई दिखी है। अब ये देखना जरूरी है कि यहां पर कितनी इंक्रीज जो है मारुति ले सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो मारुति का बड़ा फोकस CNG का पोर्टफोलियो बनता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर H1 FY22 को देखें तो CNG की कारों की जो मांग है वो ऑलमोस्ट 2 गुनी होती हुई दिखी है, पर यहाँ पर 2021 में ही ऑलरेडी 4 बार CNG की कीमतें बढ़ चुकी है। फरवरी में यहाँ पर जो बढ़ी हुई कीमत थी 49.4 पर, अब नवंबर में 26 नवंबर के बाद ये 61.5 पर हो गई है। तो 24% की ग्रोथ जो है आपको ऑलरेडी CNG की कीमतें में बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको ये देखना होगा कि कंज्यूमर्स के लिए ये दोहरी मार पड़ती हुई जा रही है, एक तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ रही है और दूसरी तरफ CNG की कीमतें यानी कि जो रनिंग कॉस्ट है वहाँ पर भी क्लियर कट 24% का इजाफा हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी होगा कि जनवरी 2022 में जो इन्होंने ऐलान किया है वहां पर किस तरह की प्राइस इंक्रीज ये करते हैं। जी चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और होटल स्पेस का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा ऑक्यूपेंसी होटल्स की बढ़ रही है, केसेस कम हुए, इवेंट्स बढ़ रहे हैं और शादियों का मौसम भी है, लेकिन अभी नए वायरस, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से क्या झटका लगेगा? पूरी रिपोर्ट समझते हैं हमारे सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ है। मानसी, जरा बताएं होटल स्पेस का हाल। जी बिल्कुल, देखिए होटल सेक्टर की ऑक्यूपेंसी को लेकर एनरॉक की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। होटल सेक्टर में जो कोविड आउटब्रेक के पहले मजबूती देखने को मिली थी वैसी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। दरअसल अक्टूबर महीने में होटल ऑक्यूपेंसी 56-58% तक जाती हुई दिखी है, जो कि 2019 के प्री कोविड स्तर यानी कि जब स्थिति बिल्कुल बेहतर थी तब के 61% के बेहद करीब है। अब आपको बता दें अक्टूबर से दिसंबर के बीच नेशन वाइड ऑक्यूपेंसी जो है 62-64% होने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं, यानी कि जब कोरोना आउटब्रेक नहीं हुआ था तब जितनी अच्छी सिचुएशन थी उतनी अच्छी सिचुएशन जल्द ही आने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसका रहा? गोवा का, क्योंकि गोवा में होटल रूम टैरिफ पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस बार 60% ज्यादा देखने को मिला है। दरअसल ट्रैवल डिमांड में बढ़ोतरी और साथ ही रिवेंज टूरिज्म का जो क्रेज है लोगों में, इसके चलते इस सेक्टर को काफी हद तक फायदा मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें अक्टूबर में घरेलू एयर ट्रैफिक जो है उसमें भी हमने 27% की बढ़ोतरी देखी थी। ऑफकोर्स यहाँ पर फुल ऑक्यूपेंसी के साथ एयरलाइंस को ऑपरेट करने की परमिशन मिलती हुई दिखी थी, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमने एयर ट्रैफिक पर देखा था, वो भी एक काफी पॉजिटिव रहा होटल सेक्टर के लिए, क्योंकि इवेंचुअल इम्पैक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखता है।
है। साथ ही त्योहारी सीजन, शादियों के सीजन से भी इस सेक्टर को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। अब इसे समझने का या होटल सेक्टर के प्रदर्शन को समझने का एक बेहद इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेली रूम रेट। अब आपको बता दें एवरेज डेली रूम रेट जो है उसमें 11-13% की बढ़ोतरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हुई है और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम की अगर बात करें ये करीब 14-16% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ते हुए दिखे हैं। आपको बता दें एक ही कंसर्न है इस सेक्टर को लेकर जो कि है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, और अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं एक्सपर्ट्स कि अगर ओमिक्रॉन के चलते कोई खतरा या फिर कोई रिस्क फैक्टर नजर आता है तो फिर सेक्टर ने जो इम्पोर्टेंट टारगेट सेट किए आने वाले दिनों के लिए अनुमान ये लगाया कि बेहतरीन होटल ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगी उसे एक डेंट पड़ सकता है क्योंकि कोरोना के इस नए वेरियंट से ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन बढ़ने का खतरा है। ओमिक्रॉन के डर या खतरे से अगर ट्रैवलर्स अपने प्लान्स को कैंसिल या डिले करते हैं तब भी सेक्टर को एक नुकसान होता हुआ दिख सकता है। आपको ये बता दें एयरफेयर भी बढ़ने का खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि 2-13 दिसंबर के बीच इंडिया और यूएस के टिकट रेट्स जो हैं 1.35 लाख से 1.63 लाख राउंड ट्रिप की मैं बात कर रही हूँ ये हो चुके हैं जो कि काफ़ी बड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर ऐसी सब सिचुएशन ओमिक्रॉन का खतरा जो अभी फिलहाल इतना बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है अगर वो ज़्यादा हुआ और ट्रैवल प्लान्स लोगों ने कैंसिल किए तो फिर सिचुएशन सेक्टर के लिए ख़राब होगी। लेकिन फिलहाल ताज़ा रिपोर्ट तो यही कह रही है कि ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी है और जल्द से जल्द 62-64% भी होने का अनुमान है। जी शुक्रिया मानसी। तो होटल शेयर के बाद आइए अब एनबीएफसी सेक्टर का रुख कर लेते हैं। अब अगले कारोबारी साल में खासतौर पर एनबीएफसी सेक्टर में ग्रोथ कैसी रह सकती है, ट्रेंड क्या कहता है? देवांशी हमारे साथ है। देवांशी, फाइनेंशियल ईयर 23 में एनबीएफसी ग्रोथ का अनुमान क्या कह रहा है? डेफिनेटली आप देखिए एनबीएफसीज में पिछले 2 साल से हम देख रहे थे थोड़े से चैलेंजेस बनते हुए दिख रहे थे जो कि अब खत्म होते हुए दिख सकते हैं। अब देखिए जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है उनका कहना है कि आने वाले साल में यानी कि FY23 में जो एनबीएफसीज हैं उसके असेट अंडर मैनेजमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एनबीएफसी के लिए उसमें 8-10% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल की अगर बात करें तो हमने देखा काफ़ी सारे चैलेंजेस थे इकोनॉमी में इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती हुई नहीं दिखी लेकिन इसके बावजूद 6-8% तक की AUM की ग्रोथ देखने मिल सकती है जो कि 27 लाख करोड़ पे पहुंच सकती है। अगले साल जिसकी हम बात करें 8-10% 30 लाख करोड़ की उम्मीद लगाई जा रही है कि सारे एनबीएफसीज के AUM पहुंचते हुए दिखेंगे। अब देखिए क्या इस बार सपोर्टिंग फैक्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं एनबीएफसीज के लिए। सबसे पहले तो इकोनॉमी में जिस तरह से तेजी से सुधार होता हुआ दिख रहा है, रिटेल स्पेंडिंग काफी बढ़ती हुई दिख रही है, इसका सहारा सारे एनबीएफसीज को मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ जो बैलेंस शीट है सारे एनबीएफसीज की वो काफी मजबूत हो चुकी है, लिक्विडिटी है सारे एनबीएफसीज के पास और जो प्रोविजन उन्होंने पहले की थी उसके चलते इस बार कंपनीज के पास काफ़ी बफर है लिक्विडिटी के लिहाज से, वो कंपनी अब लेंड कर पाएंगी और इसके चलते एनबीएफसीज के AUM में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। कौन से सेगमेंट्स हैं तो हाउसिंग फाइनेंस को सबसे ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि रिटेल से सबसे ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिख रही है और यही ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे। व्हीकल लोन यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी और गोल्ड लोन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये कि सिक्योर लोन्स है, अनसिक्योर लोन्स में थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर चैलेंजेस की बात करें आने वाले साल में तो NPAs क्योंकि अब जो नए नियम आते हुए दिख रहे हैं NBFCs के लिए उसके चलते जो ग्रॉस NPAs हैं वो 25 बेसिस पॉइंट से लेके 3% तक बढ़ने के चैलेंजेस जितने भी NBFCs हैं उनकी तरफ से है। अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है और आप देखिए जो कोरोना के नए वेरियंट्स हैं उसके चलते थोड़ा सा डिमांड पर असर होता हुआ दिख सकता है लेकिन टेलवेंस या जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा है इसके चलते आने वाले साल में NBFCs का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। अब चलते हैं और देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के कल के बाजार पर क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। कल हफ्ते के आखिरी दिन जब हम बाजार में ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो 2-3 ट्रिगर सबसे अहमियत वाले होंगे। ओमिक्रॉन को लेकर देखते हैं दुनिया भर में किस तरह के कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर होते हैं तो उस पर रहेंगी नजरें, उन खबरों पर रहेगी नजर। इसके अलावा अमेरिकी बाजार 200 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स पर, देखते हैं वहां किस तरह का रुझान बनता है। कल के उतार चढ़ाव के बाद आज एक मजबूती का सेशन होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। FIs के आंकड़े लगातार 3 दिन से सुधरने के संकेत हो रहे हैं, आज भी एक्सपायरी थी वीकली, कुछ तो शॉर्ट कवरिंग कुछ तो खरीदारी हुई होगी। कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े कम होकर खरीदारी की तरफ बढ़ते हैं यानी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और घरेलू फंड तो दमदार पैसा लगा ही रहे हैं। तो इन सारे ट्रिगर्स के दम पर कल हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हम करेंगे शुरुआत। सपोर्ट
अब बाजार के लिए कल जो सपोर्ट रहेगा वो 17,150-17,200 की रेंज में रहेगा। थोड़ा सा दूर है लेकिन वही सपोर्ट के लिए आपके लिए बढ़िया लेवल निकल कर आता दिख रहा है। ऊपरी स्तरों पर 17,500 से लेकर 17,600 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज 36,500 पर हम बंद हुए। अब जो सपोर्ट तुरंत प्रभाव से दिखेगा वो आपके लिए है 36,250 के आसपास सपोर्ट होगा। 36,000 मान लीजिए, 36,000 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपर ऊपरी तरफ 36,850 से 37,000 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान थोड़ा सा बेहतर और पॉजिटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहे और FIIs के आंकड़े थोड़े मजबूत आए तो कल बाजार फिर से हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा कमाल करने की तैयारी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि अविनाश जी के लॉन्ग टर्म पिक क्या है। शॉर्ट टर्म पिक वो दे चुके हैं और अब अविनाश जी से ये जानते हैं कि उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। सर बताइए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक है? देवज जी, हमको कैपिटल गुड स्पेस में एक कंपनी पसंद है और कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। देवेंश जी, इस कंपनी ने FY22 के लिए बहुत ही बेहतरीन नंबर्स फर्स्ट हाफ के लिए डिक्लेयर किए। इनफैक्ट ऑलरेडी 30% रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका है, कामकाजी मुनाफा 85% बढ़ा है और ओवरऑल जो फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट है वो पिछले साल के हिसाब से ऑलमोस्ट 150% ऊपर है। कंपनी ने कहा है कि डिस्पाइट कमोडिटी प्राइस बढ़ने के बावजूद ये ग्रोथ आया है। कंपनी का मानना है कि सेकेंड हाफ में भी ग्रोथ अच्छी तरह से रहेगा और ये कंपनी इंडिया में जानी जाती है मोबाइल क्रेन और टावर क्रेन के लिए। इनके पास मटेरियल इक्विपमेंट, ट्रैक्टर और एग्री बिजनेस भी है। तो हमको लग रहा है कि सारे बिजनेसेस में टेलविंड जो है वो काफी पॉजिटिव है। शेयर ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, अभी करीबन 217-218 पे मिल रहा है। हमको लग रहा है कि FY22 में कम से कम 11-12 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके बाद कम से कम 14-15 की अर्निंग आएगी। तो अच्छा पोजिशनल पिक है कैश सेगमेंट से और हमको लग रहा है कि कैपिटल गुड स्पेस में बहुत ही अच्छा विकल्प है। करीबन 6-12 महीने में हमको लग रहा है कि 270-275 का एक टारगेट प्राइस इन्वेस्टर्स को मिल सकता है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है एक पोर्टफोलियो पिक जो कि लंबे समय में आपको बेहतरीन गेन्स बना के दे सकता है। बेहतरीन रिटर्न्स के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे खरीदारी करने की राय यानी कि एस पर आपको लंबे समय के लिए खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिख रही है। अब जानते हैं कि कल के बाजार में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ऐसी कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जो आपको कमाई करा सकती है? सुमित बगड़िया की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले उनका जो कॉल है वो है IGL, 500 की जो कॉल है वो आपको खरीदारी करने की राय है। 13 रुपए के आसपास आपको खरीदारी करनी है, 18 रुपए से 20 रुपए तक के टारगेट्स हैं, 9 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा जो कॉल है वो है बाटा पर, यहाँ पे आपको 1920 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को 60 रुपए पे खरीदारी करनी है, 75-80 ये टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस आपको 50 रुपए के नीचे लगाना है यानी कि 49 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बाटा IGL दोनों स्टॉक से जहाँ पे खरीदारी करने के मौके कल ऑप्शंस में आपको मिलते हुए दिखेंगे। चलिए फिलहाल इस शो में बस इतना ही। अविनाश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सारे रिसर्च एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े और सारी एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए लेके आए, उनके लिए भी शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।